एंग्जाइटी स्ट्रेस से कोपिंग कैसा करे, मतलब उसका सामना कैसे करे, क्या करे उसके लिए, उसके बारे में मैं बातचीत करने वाला। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 40 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। एंग्जाइटी मतलब वरी, चिंता, फिकर, निराशा, बहुत ज़्यादा डर, पैनिक, ऐसे अलग अलग सिम्टम्स से बहुत आदमी परेशान हो जाता है। और एखादी बार बहुत ज़्यादा सिम्टम्स हो जाते हैं, उसको लगता है भी करे क्या भाई, वो मतलब बहुत बेचैन हो जाता है, उसको लगता है कि भाई भी कुछ तो भी हेल्प करना ज़रूरी है। अभी अभी मुझे कल एक कॉल आया, मुंबई से कॉल था, बोले अभी मेरे बेटे को कल से 2-3 बार ऐसे अटैक आ गए एंग्जाइटी के, बहुत ज़्यादा अटैक आया, सवेरे से 2-3 बार अटैक आया, अर्जेंट आपकी सलाह चाहिए, अर्जेंट कंसल्टेशन चाहिए। और मतलब उनको लगता है कि भाई करना क्या उस समय, तो तुरंत क्या क्या करना चाहिए, टोटल मतलब करना क्या है, उसका उपचार कैसे करें, इसके बारे में अभी बातचीत करने वाला हूँ। तो एक तो है कि समझो ऐसा बहुत ज़्यादा टेंशन, घबराहट, बेचैनी, हाथ थरथराना, घबराहट ऐसा होते हैं, तो भाई बस शांति से बैठो और टेक अ डीप ब्रेथ, लंबी लंबी सांस लो और लंबी लंबी सांस छोड़ो, आराम से सांस छोड़ो और आराम से सांस अंदर लो, एकदम पूरा बदन रिलैक्स करके लंबी सांस लेना है और सांस छोड़ने का है। नंबर दो, आप मेडिटेट कर सकते हैं। मेडिटेशन करना मतलब श्वास के ऊपर पूरा कंसंट्रेशन करना, श्वास अंदर जा रही है, श्वास बाहर आ रही है, जो अंदर श्वास जा रही है वह हर एक 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 जो सेल है अंदर का उसको भाई एनर्जी दे रही है और मैं बहुत रिलैक्स हो रहा हूँ, श्वास अंदर जा रही है और आराम से श्वास छोड़ने का है, मेडिटेशन करने का है। नंबर तीन, आपको बहुत ज़्यादा ये हो रहा है तो उस समय हिप्नोथेरेपी मतलब सेल्फ हिप्नोसिस कर सकते हैं। सेल्फ हिप्नोसिस, खुद का रिलैक्सेशन करना, विजुअलाइजेशन करना, खुद को सजेशंस देना, उसे बहुत फायदा हो जाता है। तो ये होगी टिप्स। मगर अभी ओवरऑल क्या करना है, ओवरऑल किस तरह का जीवन जीना है। नंबर एक, डाइट आपका बहुत ही बैलेंस रखो। नंबर दो, एक्सरसाइज रेगुलर करना चाहिए। नंबर तीन, रेगुलर स्लीप लेना जरूरी है। नंबर चार, आप सोशल मीडिया से ब्रेक्स लो, मतलब फेसबुक से, यूट्यूब से, व्हाट्सएप, ये जो है ना पूरा सोशल मीडिया, उसे कुछ समय के लिए ब्रेक लो, कुछ घंटे के लिए ब्रेक ले सकते हैं, कुछ दिन के लिए ब्रेक ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अंदर जा रही है और वहाँ से बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी लोगों को हो रही है, तो टेक ब्रेक्स फ्रॉम सोशल मीडिया। नेक्स्ट, हॉबी आपकी परस्यू करो, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। जो चीज़ में आपको मज़ा आती है, जो काम करने में अच्छा लगता है, कोई संगीत हो, कोई इंस्ट्रूमेंट सीखना है, बुक्स पढ़ना है, लोगों से बातचीत करके उनको इंस्पायर करना है, कुछ भी, तो वो आपकी हॉबी आप परस्यू करते, पेंटिंग है, एम्ब्रॉयडरी है, तो उसमें भी बहुत आपको अच्छा लगेगा। नेक्स्ट, टॉक टू अदर्स, लोगों से बातचीत करो और अपने वरी जो है वो लोगों को बताओ, एक्सप्रेस करो। जब आप किसी को बताते, एक्सप्रेस करते हैं आपकी वरी, चिंता, तो मालूम पड़ेगा आपको कि अरे यार ये बहुत ही मतलब फालतू की है, इतना ज़्यादा काम मतलब इतनी ज़्यादा वरी है नहीं। मेरे पास में एक पेशेंट आया था, बहुत चिंता, एंग्जाइटी, वरी ऐसा मतलब वो कर रहा था, तो मैंने उसको बोला कि ठीक है तूने बताया तो सब, अब तू क्या कर कि भाई कागज़ पेन उसको मैंने दिया, मतलब पूरा तुमको जो जो होता है वो लिख डालो पूरा कंप्लीट। उसने पूरा लिखा, 4-5 पेज लिखा उसने, 1 घंटा लगा दिया। फिर मैंने बोला चलो बताओ अभी इसमें का क्या क्या रैशनल है, क्या क्या इरेशनल है। बोले सब लिखने के बाद में मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि ये सब फालतू है, मैं फालतू चिंता कर रहा हूँ। मतलब जब तक दिमाग में था तब तक टेंशन था, जब कागज़ पर उतार दिया तो उसको बहुत रिलैक्स लगा, बोले मैं तो फालतू चिंता कर रहा हूँ, ये तो एविडेंस बेस्ड नहीं है कुछ भी। सो लोगों से बातचीत करो या प्रोफेशनल से बातचीत करो, प्रोफेशनल भी आपको मदद कर सकता है, साइकियाट्रिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, काफ़ी सारे लोगों के हमको ऑडियो कॉल्स आते हैं, वीडियो कॉल्स आते रहते हैं, तो आप कर सकते हैं। फिर आप नेक्स्ट आइटम, कनेक्ट टू योर सेल्फ, आप अपने आप से कनेक्ट करो। क्या होता है कि अपने आप से आप कनेक्ट होते नहीं हो, अपने आप से कनेक्ट करो कि भाई मैं हूँ कौन, मेरा जीने का उद्देश्य क्या है, मेरा लाइफ का क्या पर्पस है, क्या होने वाला है, क्या बिगड़ने वाला है, बुरे से बुरा क्या हो सकता है, वर्ष कम वर्ष क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, ये भी करो। और फिर मैं हूँ कौन, मुझे इतना ऐसा क्यों ऑप्रेस लग रहा है, मतलब ऐसा जब आप बैठ के आप अपने साथ में जब कनेक्ट हो जाएंगे, और जैसा विपश्यना में करते हैं कि बिल्कुल बातचीत नहीं करना, शांत बैठना, रिलैक्स बैठना और अपने आप से कनेक्ट करना, तो उससे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी कम हो जाएगी। फिर नेक्स्ट, अवॉइड अल्कोहल, शराब, तंबाकू, ये बंद करनी पड़ेगी, उससे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी बढ़ती रहती है बहुत ज़्यादा। और एक महत्व का पॉइंट है जो मैं हरदम मेरे लेक्चर्स में उतरता हूँ कि हेल्पिंग अदर्स टू कोप देयर स्ट्रेस। इसका मतलब क्या है कि जिनको जिनको स्ट्रेस है, जिनको जिनको एंग्जाइटी है, उनको मदद करो कि भाई उनका स्ट्रेस कैसा कम हो जाए। आप जब लोगों की मदद करते हैं ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा,
और आपको पता चलेगा कि अरे अपने जैसे बहुत सारे लोग हैं और वो भी कैसे खामोखा स्ट्रेस में और एंग्जाइटी में है और कैसे फालतू चिंता कर रहे हैं, तो उनकी भी ट्रीटमेंट हो जाएंगी और आपकी भी ट्रीटमेंट हो जाएगी। सो हेल्पिंग अदर्स, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू देम, कॉन्ट्रीब्यूशन करो, लोगों को दो, लोगों को आप बहुत सारा दे सकते हैं, लोगों से कनेक्ट करके लोगों को प्यार दो, लोगों को टाइम दो, लोगों के साथ में बातचीत करो, उनकी कोई डिफिकल्टी है वो कैसे अपन छुड़वा सकते हैं वो देखो, उनको कोई फिजिकल इलनेस है तो उसके लिए अपन क्या सहायता कर सकते हैं, कोई उनको रेफरेंस दे सकते हैं क्या, क्या कर सकते हैं। यदि आप लोगों के साथ में कुछ टाइम देते हैं तो आपकी एंग्जाइटी बहुत सारी कम हो जाएगी। तो ये सब स्ट्रेस को कोप अप करने के लिए, एंग्जाइटी डिप्रेशन को कोप अप करने के लिए सब मैंने ये उपचार बताया। आपको ये अच्छे लगे तो जरूर लोगों को आपने शेयर करना चाहिए, क्योंकि लोग ये घरेलू अपना बैठ के इलाज कर सकते हैं। इसके अलावा जब साइकेट्रिस्ट के पास में आप जाओगे, आप मेरे पास में आएंगे, तो लोग बोलते हैं मुझे तुरंत फ़ायदा चाहिए, तो फिर हम देते हैं मेडिसिन कि जो एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स है, एंटी डिप्रेशन के ड्रग्स है, और उससे बहुत सारा फ़ायदा होता है। हमने कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी बना के रखी हुई है और वो भी हम देते हैं, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है, जिसमें अश्वगंधा है, शिलाजीत है, मकरध्वज है, काफ़ी सारी उसमें मतलब कॉम्बिनेशन बना के रखी है, तो उसमें बहुत एंग्जाइटी कम करने में मदद हो जाती है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जो लोगों को शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।